बुलंदशहर सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लगभग 5 से 6 घंटे शिकारपुर नगर पालिका पानी टंकी परिषद में सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए और त्योहार को लेकर शिकारपुर नगर पालिका द्वारा पेमेंट न मिलने पर धरना प्रदर्शन करना सफाई कर्मचारियों की मजबूरी थी। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरी न होगी और हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और त्योहार भी नहीं बनाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन का धरना प्रदर्शन लगभग 5 से 6 घंटे चला। बाद में नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा द्वारा व अध्यक्ष के बीच समझौता हो गया और सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि आपका जो पेमेंट है वे त्योहार के बाद शीघ्र मिल जाएगा। और नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा ने सफाई कर्मचारियों से कहा, आज से पहले ठेका कर्मचारियों को पेमेंट मिलेगा और नगर पालिका ऑफिस कर्मचारियों का पेमेंट बाद में होगा। ये बात सुनकर सफाई कर्मचारियों के चेहरे खुशी के मारे अलग ही दिखाई दे रहे थे और दोनों हाथों से ताली बजाने लगे। नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मुझे पता नहीं चला कि ठेका कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिला है। मुझे पता चल जाता तो मैं स्वयं ऑफिस में बैठकर ठेका कर्मचारियों का पेमेंट बैंक खाते में डलवा देती। त्योहार के बाद सफाई कर्मचारियों का पेमेंट हो जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि त्योहार पर सफाई कर्मचारियों को पेमेंट ना मिलने से त्योहार भी नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब हमारा नगर पालिका चेयरमैन द्वारा समझौता हो गया है, हम और हमारे कर्मचारी तैयार है। इरशाद मलिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। जबकि कल इनका चेक भी क्लियर हो गया 2 महीने का। अब मुझे ये पता था इनका तनख्वाह पड़ गई होगी, क्योंकि मैंने 29 तारीख में ऑफिस में एक लेटर रिसीव कराया था और वो मैंने DM साहब को भी पहुँचाया है, ADM साहब को भी पहुँचाया है। मैंने इनकी तनख्वाह धनतेरस से पहले ही मैंने 29 तारीख में दे दिया था, वो मेरे पास उसकी रिसीविंग भी है लेटर की। लेकिन अब ठेकेदार को जो न्यू ठेका होता है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बट मैं 20-25 दिन से इनसे लगातार कह रही हूँ मुझे लिस्ट भेजिए। मैंने लिस्ट भी मांगी थी और उस वो भी लिस्ट से भी लिस्ट मांगी थी, मैंने ऑफिस को भी लेटर रिसीव कराया था। मैं इनकी तनख्वाह, मैंने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बाद रोक दी थी, मैंने इनकी तनख्वाह बाद में दी जाएगी, पहले ठेका कर्मचारियों तनख्वाह दी, क्योंकि कोरोना काल से इन लोगों पर काफ़ी तगादा भी हो चुका है, ये लोग काफ़ी परेशान भी हैं। और इसी वजह से मैंने बोला था, मेरे ATM साहब से बात हुई थी, मैं पहले इनकी ठेका कर्मचारियों तनख्वाह दी जाएगी, बाकी काम बाद में होंगे, बट इन्होंने ठेकेदार की कमी की वजह से थोड़ा इतना लेट हो गया है, तनख्वाह बनाते हैं। और आज मैं सबके बीच में कह के जा रही हूँ, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बाद में बनाऊंगी, बाद में दूंगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पहले ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी। सभी से बोल दें जिस किसी को जरूरत है, हम आपके लिए अभी पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस किसी को भी चाहिए हम अभी दिलवा रहे हैं आपके लिए, हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे इनकी, आप त्यौहार मनाइए।